नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। पूछता है उत्तराखंड में आज हम बात करेंगे ड्रामेबाज बने हरक सिंह रावत की। हम यूं ही नहीं कह रहे, क्योंकि हरक सिंह रावत ये पहला मौका नहीं है कि ऐसा कर रहे हैं। उससे पहले भी 2016 में ऐसा करके वो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आए थे। लेकिन सवाल ये है कि या ये जो दल बदल की राजनीति चल रही है, इसमें जनता को कितना फायदा होता है, जनता को कितना नुकसान होता है और जनता क्या इसे समझ पाती है या नहीं, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही जो नेता हैं उनके चेहरे भी दूसरे होते हुए नजर आ रहे हैं। हरक सिंह रावत, खबरें आ रही हैं कि हरक सिंह रावत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सुबह ऐसी खबरें आई कि वो मान गए हैं, उन्हें मना लिया गया है। लेकिन हरक सिंह रावत कहते हैं कि वो माने नहीं है, वो अपनी बातों पर अडिग रहने वाले हैं, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में सबसे पहले हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति में कितना वर्चस्व रखते हैं, ये जानना भी जरूरी है। हरक सिंह रावत उत्तराखंड के कद्दावर राजनेताओं में से एक है। छात्र राजनीति से कामयाब विधायक सियासत करने वाले हरक का सियासी इतिहास बताता है कि वे बहुधा नाराज हो जाते हैं। बहुधा मतलब बहुत ज्यादा, उन्हें मनाना भी बेहद मुश्किल है। कई बार अपनों से तो कई बार गैरों से नाराज हो जाते हैं। कई बार तो उनकी नाराजगी इतनी बढ़ जाती है कि सियासत से सीधे संन्यास लेकर वंशप्रथा में प्रवेश करने की बातें तक वो करने लगते हैं। नाराजगी की टाइमिंग लेकिन बिल्कुल चुनाव से पहले की होती है। नाराजगी की टाइमिंग एंड चुनाव के वक्त आखिर क्यों होती है, ये बहुत बड़ा सवाल है और अगले एक घंटे ये जानने की हम कोशिश करेंगे। राज्य की सियासत पर नजर रखने वालों को अच्छी तरह याद होगा कि एक बार तो वो इतने ज्यादा नाराज हो गए कि मां धारी देवी की कसम खा ली कि अब वो कभी मंत्री नहीं बनेंगे। पता नहीं क्या बात हुई थी कि उसके बाद वो ना सिर्फ लगातार चुनाव लड़ते रहे बल्कि मंत्री भी बनते रहे। हरक एक बार फिर नाराज है। नाराजगी की वजह उनकी विधानसभा में मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव ना आना बताया गया है, लेकिन इस नाराजगी की टाइमिंग एंड चुनाव के वक्त होने से खासा चर्चा बटोर रहे हैं। प्रबल जराधार चुनावी जीत के हुंकार में परंपरागत हरक सिंह उत्तराखंड की सियासत के लिए एक तरह से अपरिहार्य है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों दलों ने उनकी महत्ता पहचानी और दोनों दलों ने अपनी सरकारों में उन्हें मंत्री बनाया। लेकिन महत्वाकांक्षी हरक का अंतिम लक्ष्य सिर्फ मंत्री पद हासिल करना नहीं रहा है। एक बार फिर से सुनिए कि उनका लक्ष्य सिर्फ मंत्री पद हासिल करना नहीं रहा। उनकी महत्वाकांक्षा तब प्रबल भी होती रही है जब भी प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते रहे हैं। साल 2017 सभी को याद होगा, उसके चुनाव से एन पहले वो हरीश रावत से इस कदर नाराज हुए कि सीधे भाजपा में जा पहुंचे। त्रिवेंद्र सिंह रावत से हरक सिंह रावत की खूब ठनी है, ऐसी तस्वीरें गवाह हैं। भाजपा से उन्होंने उम्मीदें भी कुछ ज्यादा ही पाल ली, लेकिन भाजपा की अपनी कार्यशैली और संस्कृति है। कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद भी हरक सिंह को भाजपा का कुनबे में बहुत अपनापन महसूस नहीं हुआ है। शायद यही वजह हो सकती है कि हरक सिंह रावत अब यहां से जाने की बात कर रहे हैं। मेरे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका सीधे परिचय करा देते हैं। अमनजीत सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हेमा भंडारी प्रवक्ता हैं आपसे, विनोद उनियाल प्रवक्ता हैं बीजेपी से। सबसे पहले इस खास प्रोग्राम में पूछता है उत्तराखंड में बहुत स्वागत है आप सभी का। विनोद उनियाल जी, सबसे पहला सवाल आपसे, आखिर क्या कमी रह गई कि एक बार फिर से हरक सिंह रावत जाने की बात कह रहे हैं? ऐसा है, देखिए अटकलें तो कितनी भी लगाई जा सकती हैं, लेकिन अभी जो प्रोसेस होता है बहुत लंबा है, तो अभी हमें लगता नहीं है कि हरक सिंह रावत जी भाजपा से जाएंगे। ऐसा नहीं है, इस्तीफा भी उन्होंने अभी दिया, इस्तीफा भी दिया नहीं दिया है, ऐसी ऐसी बात भी आ रही है। और इस्तीफा देना या मन या वहाँ कैबिनेट की मीटिंग छोड़ना ये अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इस्तीफा, संगठन को तो कुछ मालूम नहीं है इस बारे में। बाकी सरकार के पास या राज्यपाल के पास भी अभी कोई ऐसा ऐसा मतलब समझिए आपकी ऐसा कोई है नहीं कि उन्होंने इस्तीफा दिया हो। तो खबरें यूं ही चल गई,
ये ठीक है कि वो अपने क्षेत्र के लिए कुछ चाहते होंगे, मेडिकल कॉलेज चाहते होंगे। और मैं बताना चाहूंगी कि अगर ऋषिकेश में एम्स कॉलेज दिया है तो हमारी सरकार ने दिया है, हमारी प्रेरणा स्रोत श्रीमती सुषमा स्वराज जी के माध्यम से वहाँ मिला है। और अगर जनता को जो कुछ चाहिए होता है वो तो हमारी सरकार हो, केंद्र की हो, राज्य की हो, वो तो दे ही देगी, ऐसी कोई दिक्कत कहाँ आ रही है। ठीक है, उत्तराखंड की जनता क्या ये सुन रही है? उत्तराखंड की जनता क्या ये सुन रही है, एक बार फिर से मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ये जानती है कि उनके लिए क्या हित में है और क्या अहित है उनका। हरक सिंह रावत पहले कांग्रेस से बीजेपी में आते हैं, बीजेपी से भी परेशानी है, क्यों परेशानी है ये सबसे बड़ा सवाल है, जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। और भी तमाम पार्टी के जो प्रवक्ता हैं मेरे साथ जुड़े हैं उनका मैं रुख करूंगी, उससे पहले जनता से सवाल है कि जनता आखिर खुश क्यों हो जाती है, कहीं जनता गच्चा खा जाती है या जनता को समझने में मुश्किली हो जाती है कि ये जो हो रहा है कि कभी फुदक कर इधर जाना है कभी फुदक कर उधर जाना है, इसमें नुकसान सिर्फ जनता का है। तो समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं नेताओं को कि आखिर ये क्या कर रहे हैं, इससे क्या जनता का हित होगा? आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, आपको मेडिकल कॉलेज क्यों याद आ रहा है? चंद दिनों पहले इन 5 सालों में आपको मेडिकल कॉलेज याद नहीं आया? आप कहते हैं कि आपने बहुत विकास करवाया है, विकास की बातें आप कहते हैं, तो फिर आखिर एन मोमेंट पे क्यों ऐसा होता है कि आप विफल उठते हैं और विफल होकर ये कहते हैं कि हम तो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, कांग्रेस में जाना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस में जाना चाहते हैं तो फिर कांग्रेस से वापस बीजेपी में क्यों आए थे? कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं, अमनजीत जी। अमनजीत जी, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बोलिए जी। अमनजीत जी, आपकी पार्टी से नाराज होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन अब एक बार फिर से आपके पास आने की कवायदे कर रहे हैं। देखिए, आने की कवायद का तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस आशा उम्मीद के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी, उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थी, आशाएं बहुत बड़ी थी कि शायद उत्तराखंड में कांग्रेस जो काम नहीं कर पाई वो भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज लगभग पांच साल करीब होने को आ रहे हैं, उनको आगे पता लग गया है कि जो काम उत्तराखंड के विकास के लिए कांग्रेस ने किया था भारतीय जनता पार्टी वो ऐसा कोई काम कर नहीं। तो गलती आपके हिसाब से हरक सिंह रावत की है या पार्टी की है? नहीं, पार्टी की क्या, वो जिस विचारधारा को लेकर के गए थे, जिस सोच को लेकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, आज उन्होंने वहां जाकर देख लिया क्या सच्चाई है। सिर्फ विकास की बात करते, भारतीय जनता पार्टी अगर विकास कर रही होती तो उनको इस प्रकार की बातें करने की क्या आवश्यकता थी? आज उनकी नाराजगी से ये बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से वादे किए वो पूरे नहीं कर पा रहे। आज एक कैबिनेट मिनिस्टर को ये कहना पड़ रहा है कि मुझे आज अपनी ही सरकार में भिखारी बनकर रहना पड़ रहा है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कैबिनेट मंत्री अगर इस प्रकार से कह सकता है तो अन्य जो हमारे विधायक है वहां पे वो किस प्रकार से सोचते होंगे अपनी पार्टी से, क्या जनता के बीच में जाएंगे आने वाले चुनाव में। इस बात से आहत है, वो आहत है इस बात से कि हम किस मूल से जनता के बीच में जाएंगे, इसी बातों को नाराजगी को लेकर तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, कुछ अभी स्पष्ट नहीं कर पाए। ये तो मैं हिम्मत बता देता हूँ कि उन्होंने बड़ा मुखर होकर के। अमन जी जी, माफ कीजिएगा बीच में आपको टोक रही हूँ, बहुत आपने क्लियरेंस बहुत अच्छा दे दिया है पार्टी का, लेकिन ये बताइए कि 2016 में आपकी पार्टी से ऐसी कौन सी नाराजगी थी जो नाराज होकर बीजेपी में चले गए? और अभी हाल का मुद्दा उठा लूं तो हरीश रावत क्यों इतने नाराज हो रहे थे और अब शांत हो गए हैं? हरीश रावत ने कोई ऐसी नाराजगी नहीं दिखाई, ये तमाम मीडिया जो है, मीडिया ने उनके ट्वीट को या कह लीजिए फेसबुक को हाईलाइट किया। उन्होंने अपनी एक बिल्कुल उन्होंने अपनी एक व्यथा दर्द जो है आपको ट्वीट के माध्यम से बताने का प्रयास किया। उन्होंने कहा चुनावी समय है, चुनावी समय में मुझे संगठन में कहीं कुछ लोगों से सहयोग नहीं मिल रहा। अगर इतनी बात का आपको बात का बवंडर बना दिया गया, अब दिल्ली भी गए, दिल्ली में सभी लोगों को साथ बैठे, कोई आपस में पूरी तरह समन्वय है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपको कांग्रेस पार्टी की में की अंतरकले नजर आती है, चर्चा आपको करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर ही तो चर्चा हो रही है अमनजीत जी, तो इसमें आप अगर आप भारतीय जनता पार्टी की चर्चा कर रही हैं मैडम, तो इसमें हरीश रावत कहां से आ जाते हैं? इसलिए आ गए क्योंकि आपने अभी जिक्र किया
कि पार्टी में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो नाराज हो गए हैं, तो फिर पार्टी में कुछ ऐसा भी तो होगा कांग्रेस में कि हरीश रावत नाराज हो गए हैं। आप ही कह रहे हैं, एक मिनट दीजिएगा, फिर आगे फिर आपसे और सवाल होंगे। अभी एक घंटा है, बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। और जो अब विजन है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का, वो ये है कि ये जो ड्रामेबाजी चल रही है ये तो हम देख ही रहे हैं, तमाम चैनल दिखा रहे हैं, हम भी दिखा रहे हैं क्योंकि खबर है। लेकिन उसके बाद फिर मैं आऊंगी कि हम उत्तराखंड के लिए क्या सही है और क्या गलत है, उत्तराखंड की जनता को आखिर क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है, इस पर मैं आऊंगी। मैंने इसलिए सवाल किया क्योंकि आपने कहा कि पार्टी में कुछ गलत हो रहा होगा, यानी कि पहले भी कुछ गलत हुआ होगा ना, तभी तो वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, कुछ तो हुआ होगा। मैं देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा उनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी, उस वक्त उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या थी और किस रूप में भारतीय जनता पार्टी ने ये दुष्कृत किया और 9 विधायकों को लेकर के सरकार तोड़ने का काम किया, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व थी, कैसे धन बल से उन्होंने और सत्ता का प्रेशर बना करके ये काम किया, जब जाहिर है उसमें केवल आप अपना समय 18 मार्च 2016 का समय भूल गए, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख करके उत्तराखंड में हरीश रावत जी की सरकार को खत्म करने का काम किया, उस प्रकार ये तो केवल हम तो धन्यवाद देते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, जिनकी वजह से सरकार पुनः आ पाई, जबकि ऐसा पूरे देश में कभी नहीं हुआ कि सरकार चली जाए फिर लौट के आए। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से दुष्कृत किया वो तो जग जाहिर है, उस भाव में वो चले गए। अब किस आशा उम्मीद में गए, आज उनकी आशा उम्मीद पूरी नहीं हो रही, तो आज वो फिर किसी ना किसी रूप में किसी अन्य पार्टी, मैं नहीं कह रहा हमारी पार्टी में आएंगे नहीं आएंगे ये तो वही बताएंगे, लेकिन हाँ निश्चित रूप से अपनी पार्टी से नाराज है, उनको मालूम है जिस आशा उम्मीद से गए थे वहां उनकी आशा उम्मीद पूरी नहीं हो रही। अमन जी जी ठीक है, ठीक है, कांग्रेस ने खुद को पाक साफ कर लिया है। चलिए ठीक है, उनियाल जी आप कुछ कहना चाह रही थी, आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर मैं हेमा भंडारी जी के पास भी जाऊंगी। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही थी कि अभी हमारे भाई अमरजीत जी बोल रहे थे कि ये लोग 16 मार्च 2016 को ले गए थे, लेकिन हम लोग नहीं लाए हैं उनको, हम लोग किसी रूप में नहीं लाए हैं, वो लोग खुद आए हैं, हरीश रावत जी के बसों पे आप उनको लाद के ले गए। मैंने भी आपकी बात बहुत अच्छी सुनी है, आपने नहीं किया, हरीश रावत जी से उठा करके सारे लोग आए हैं, विजय बघुना जी आए हैं, सुबोध उनियाल जी आए हैं, 10-11 जितने भी आए हैं, आए नहीं है लाए गए लोग थे, तो पार्टी में उनकी उपेक्षा हो गई, आप लोगों ने षड्यंत्र करा और एक केवल उत्तराखंड में नहीं, यही काम आपने, यही काम आए हैं और हमारा काम लोग संग्रह करना है। सुन लीजिए, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी बातों से, एक मिनट, आप लोगों की बातों से ये मुझे नजर आ रहा है कि उत्तराखंड की जनता के लिए कितना विकास के बारे में या तो कांग्रेस सोच रही है या बीजेपी सोच रही है। आम आदमी पार्टी जो कि एक मुख्य पार्टी उभर रही है उत्तराखंड में, ऐसा आम आदमी पार्टी कहती है। तो हेमा जी आप बताइए कि क्या ये उत्तराखंड की जनता के लिए सही है, क्योंकि आप तो नए आए हैं पार्टी में, आप तो बहुत सारी भविष्यवाणी कर रहे हैं प्रदेश को लेकर। देखिए जी, समाज चल रहा है भाजपा में, कांग्रेस में हरीश रावत जी का लगातार कुछ ड्रामा नहीं चल रहा है, करनी नहीं पड़ती भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो काट पार का नारा दे रहे हैं, और रही बात भरत सिंह रावत जी की, भरत सिंह रावत जी कांग्रेस में जो तक, तो ये देखिए कनेक्टिविटी कितनी खराब है, इस पर गौर मत करिएगा, सिर्फ दल बदल की राजनीति करते रहिएगा।
कनेक्टिविटी कितनी खराब है, सड़कें कितनी खराब हैं, विकास कितना हुआ है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है, स्वास्थ्य महकमे में कितना विकास हुआ है, शिक्षा में कितना विकास हुआ है, इस पर मत मात करिएगा, बस अपनी अपनी सफाई दीजिएगा। मेरा मकसद इस चर्चा को रखना हरक सिंह रावत नहीं है, सिर्फ वो जरिया है। मेरा मकसद है कि इस नौटंकी में हम जनता को क्यों भूल जाते हैं, जनता को हम क्यों बेवकूफ बना देते हैं। यही तो हमारा अपने आंसू टपका दिए और सोचा कि चलो ठीक है, वाहवाही हम लूट लेंगे, दो चार दिन हम मीडिया में छाए रहेंगे, हमारा काम हो गया, जनता को हमने बना लिया बेवकूफ। एंकर महोदय, हमारा भी तो यही प्रश्न है कि सरकार की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, जनता का भला करना होता तो उनके पास नौकरी पड़ता, वो जनता का भला कर सकते थे। आप विजन बताइए, अपना भला हेमा जी, आप अपना विजन बताइए ना, आप तो बहुत करीब से उत्तराखंड को आप देख रहे हैं ना। हमारा विजन बहुत जनता के बीच में उतरे हैं, हम जनता की मूलभूत सुविधाओं को लेके उतरे हैं, हम बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य जो उनकी मूलभूत जनता के जरूरत है उनको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और जिसे जनता सुना भी रही है कि जो हमने दिल्ली में काम किया है वो हमें करेंगे और उन्हीं की सुविधाओं, जहाँ का स्वास्थ्य की व्यवस्था आप देखिए कि रेफर सेंटर बन गए हैं, यहाँ के अस्पताल, यहाँ के सरकारी अस्पताल सिर्फ रेफर करने का काम करते हैं, यहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिलती है, यहाँ के प्राइवेट अस्पतालों के लिए रेफर कर दिया जाता है, यहाँ के सरकारी स्कूलों की हालत देख लीजिए। हेमा जी, 10 साल कांग्रेस ने खूब लूटा आम जनता को, 10 साल बीजेपी लूट रही है, अब आप भी लूट की कड़ी में शामिल हो जाइए। भाजपा कांग्रेस की जुड़ी जुड़ी सरकार रही है, भाजपा कांग्रेस में 5 साल ये लोग ये करते हैं कि 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे, 5 साल भारतीय जनता पार्टी, और अब आप लूटने की तैयारी कर रहे हैं, और अब आम आदमी पार्टी लूटने की तैयारी कर रही है फ्री की राजनीति करके। आम आदमी पार्टी लूटती नहीं है, आम आदमी पार्टी जो ये मंत्री अपने स्कूल पैन पे ले जाते हैं ना पैसे जनता से लूट लूट के, वो जनता को देने का काम करती है, जो इनके स्कूल पैन में चले जाते हैं ना, जो कोई भी यहाँ पर कोई भी वो आता है कार्य आता है उसमें इन लोगों का भ्रष्टाचार इतना होता है कि 60% का भ्रष्टाचार होता है, 40% पैसे लगाए जाते हैं, 60% का भ्रष्टाचार होता है, उस भ्रष्टाचार को रोक के आम आदमी पार्टी जनता को देना चाह रही है। ठीक है, देखेंगे, वक्त करीब है भंडारी जी, वक्त करीब है। उनियाल जी, ये बताइए कि ये जो आरोप लग रहे हैं आपकी पार्टी पर, क्योंकि सत्ता में आप हैं तो सवाल आपसे होगा, बताइए क्या इसी में ये दल बदल की राजनीति में लाइमलाइट रहिएगा या कुछ अब करने का वक्त है, दिखाने का वक्त है, रिपोर्ट कार्ड पेश करने का वक्त है? हमारे यहाँ दल बदल तो कहाँ होता है, लेकिन मैं फिर ये क्या मॉडल देख रही हूँ, आम आदमी पार्टी का दिल्ली का मॉडल है, स्वास्थ्य की वहाँ क्या स्थिति है वो सब जानते हैं, जहाँ जहाँ इन्होंने स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं। नहीं, एक मिनट उनियाल जी, ये चर्चा इसलिए नहीं है कि आप उन पर आरोप लगाएं, चर्चा इसलिए है आप जनता की बात करिए। देखिए, मेरा मकसद जनता तक आवाज पहुंचाना है, चाहे वो अमन जी जी हो, चाहे वो हेमा भंडारी हो, चाहे वो विनोद उनियाल जी हो, आप जनता की बात करिए, जनता को क्यों बेवकूफ बना दिया जाता है, एंड चुनाव के पहले क्यों बेवकूफ बना दिया जाता है, क्यों आंसुओं से उनका दर्द धोने की कोशिश होती है या अपना दर्द दिखाने की कोशिश होती है? हम लोग ऐसा है मैडम, जब से हम लोग सत्ता में आए हैं, केंद्र में माननीय मोदी जी ने विकास की राह खोल दी है और हर उनका कार्यक्रम, हर उनके नियम विकास के लिए बने हुए हैं। उत्तराखंड में देखिए कितनी बार वो आ गए हैं, सड़कों की चिंता उनको है, स्वास्थ्य की चिंता उनको है और हमारी राज्य सरकार को भी है। राज्य सरकार ठीक है, एक मिनट उनियाल जी, एक मिनट उनियाल जी, न्यूज़वर्ल्ड इंडिया जिसके साथ आप जुड़ी हुई हैं, चर्चा कर रहे हैं, न्यूज़वर्ल्ड इंडिया जरा सर्च करिएगा यूट्यूब पर, मेरा गांव मेरा देश उत्तराखंड का स्पेशल एडिशन जाता है, जहां हम जनता से सवाल करते हैं, जनता से पूछते हैं उनकी समस्याएं। ये हमने प्रोग्राम इसलिए चलाया ताकि जो एक तस्वीर है, देखिए नेता हमें तस्वीर नहीं दिखाते, वो तो सिर्फ यही दिखाते हैं कि हमने कागजों पर कर दिया भाई विकास, हकीकत हम दिखाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, हकीकत है कि कहीं विकास नहीं हुआ है, सड़कें ऐसी हैं कि चलना तो बहुत मुश्किल बात है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कितने सालों से सड़क बनी है नहीं बनी है। स्वास्थ्य व्यवस्था की आप बात कर रही हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, मोटरसाइकिल कंधों पर रखकर नौजवान 5 किलोमीटर तक चलते हैं, ये हकीकत है।
आंखें खोलिए उनियाल साहब और देखिए। ऐसा नहीं, हमारी सरकार तो पूरा विकास के पूरे वो कर रही है, और जब धामी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी पूरा पूरा विकास के लिए आगे हैं, सबका स्वास्थ्य, सबका विकास हमारे लिए, जनता का विकास ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हम उसको आगे रख करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बात बताइए, ये जो नेता कोई जादूगर है कि वो आते हैं, अपने आंसू बहाते हैं, अपनी बात रखते हैं और फिर जनता उन्हें वोट दे देती है, या नए फैक्ट्स हैं? ये तरीका है एक वोट को आकर्षित करने का, वोटरों को आकर्षित करने का कोई तरीका है? देखिए जनता, आज की जनता जो है वो सब जानती है, वोटर इतना बेवकूफ नहीं है, वोटर समझता है इस बात को। तो आंसू बहाकर बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं ना, जनता तो नहीं है लेकिन ये आंसू बहा देते हैं, आंसू बहा देते हैं। जनता भी जानती है कि भाई कौन कैसा है। ठीक है, तो आप कह रही हैं, आप कह रही हैं कि जानबूझकर, जान उनियाल जी नहीं, उनियाल जी सुनिए, आप कह रही हैं कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है वोटरों के लिए सिर्फ? नहीं, जानबूझकर मैं कह रही हूँ, जनता समझदार है। अच्छा, वोटर भी समझदार है, वो जानता है किसने क्या किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके हर सुख दुख में हमेशा साथ रही है, रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में एंकर मोदी जरा उनियाल जी से आगे आगे रही है। अमन जी आप पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, सीधा पूछ सकते हैं। मैं उनियाल जी से पूछना चाह रहा हूँ, मेरी बहन जी से। बहन जी, आपने मुझे अभी अब मोदी जी के तो उपलब्धियां गिना दी, उत्तराखंड में क्या उपलब्धि रही मोदी जी की मुझे बता दीजिए। अगर इतनी उपलब्धि थी तो आपको तीन तीन मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़ गए? किस स्वास्थ्य सेवा की बात कर रही है, इन सड़कों की बात कर रही है, कहाँ रह गए आपके स्मार्ट सिटी? आज आकर देहरादून में रहते तो आपका एक जवाब दीजिए, आप मेरा प्रश्न सुन लीजिए फिर आराम से जवाब दीजिए आप। हाँ, मैं आप अगर देहरादून में रहती हैं, कभी घर से बाहर निकल कर देखिए सड़कों की क्या हालत है, बाजारों की क्या हालत है, बनाते बनाते आज सड़कों का क्या हाल हो गया, जाकर के देखिए क्या हाल है, बनती स्मार्ट सिटी, क्या लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है, महिलाओं का प्रसव जो है सड़कों पर हो रहा है, पुलों पर हो रहा है, आज तक यहाँ पर MRI की सुविधा नहीं है, दून हॉस्पिटल में क्या बात कर रही है आप? ऐसा है, देखिए सड़कों का काम हो रहा है, बताइए सुन लीजिए, सुन लीजिए स्वास्थ्य को आप जो है महिलाओं को, धात्री महिलाओं को स्पेशल पैकेज उनके लिए बनाए हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? कब बनाया, किस कौन सी महिलाओं को मिल रहा है? नहीं, उत्तराखंड की महिलाओं को घसियारी बना के रख दिया आपने, उनके हाथ में झांसी दे रखी है, महिलाओं को कलम देनी चाहिए, देनी चाहिए। देखिए आप एक एक करके बोलिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, क्लियर हो पाएगा कि आप अपनी बात किस तरह से रखने चाह रहे हैं। एंकर उनियाल जी एक मिनट सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा, अभी पूरा आधा घंटा बचा है। अमन जी जी, जहाँ महिलाओं को, बच्चियों को किताब देनी चाहिए थी, शिक्षा देनी चाहिए थी, कलम देनी चाहिए थी, आपको होशियारी बनाकर रख दिया, कहाँ गई योजनाएं बच्चों के लिए? अब जो बच्चों के लिए योजना लेकर आ रहे हैं वो करीबन 1.5 लाख के करीब जो है टैबलेट बांटेंगे, अब उसके लिए भी उनके पास समय नहीं है, वो पैसा, ये पैसा सरकारी पैसा तो हमारा टैक्स के रूप में दिया गया है, अब आप इसको जो है बच्चों में बांटने जा रहे हैं, ये वादा आपने किया था बच्चों को टैबलेट बांटने का, आज तक कोई टैबलेट नहीं बांटा। अगर टैबलेट बांटते भी हैं और टैबलेट नहीं बांटा, पैसा बट रहा है, फिर वो टैबलेट काम करेगा नहीं करेगा? कोरोना काल में कहां का बताइए। अमन जी, टैबलेट तो जब यूज होंगे ना जब कनेक्टिविटी उत्तराखंड में अच्छी होगी। मैं यही तो कह रहा हूं, अगर आप टैबलेट बच्चा खरीद नहीं, आप बार-बार मैं ये कह रहा हूं आप अपनी जो आपने काम किया है ना और जो आपकी नाकामी रही है 10 सालों में वो आप छिपा नहीं सकते। अमन जी
मुझे बताइए क्या नाकामी हमने छुपाई? आप कनेक्ट, आप लैप उसकी बात कर रहे हैं कि टारगेट दीजिएगा। सबसे नहीं नहीं सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी ने विकास किया है तिवारी जी के समय में उत्तराखंड का, आज क्या हाल देखते हो आप, जो बेहतरीन सुविधाएं हैं वो सब तिवारी जी की दी हुई है। उसके बाद आप देखिए 5 साल जो है भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, क्या उपलब्धि रही मुझे बताइए। उसके बाद सुन लीजिए, नहीं 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 अमन जी जी, नहीं 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 नहीं, जब सबसे ज्यादा, सबसे एक मिनट, सबसे ज्यादा विकास आपकी सरकारें दिया है, दो ही तो सरकारें रही हैं, 10 साल कांग्रेस रही है और 10 साल बीजेपी रही है। आप मुझे ये बताइए अमन जी जी, मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं आपको पूरा समय दूंगी, मैं आपको पूरा समय दूंगी, मैं आपकी 10 साल की बात का जवाब दे रहा हूँ ना। बस एक 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 सवाल, बस एक छोटा सा सवाल, जब 10 साल इतना विकास किया तो फिर आपको नकारा क्यों गया? आप सुनी नहीं रही, मैं भी तो, मुझे भी तो बोलने का मौका, चलिए बताइए। मैं कह रहा हूँ 5 साल तिवारी जी की सरकार रही, पूरा देश दुनिया जानती है कि उत्तराखंड ने कितना विकास किया। उसके बाद जब 5 साल के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की आई, विकास वहीं का वहीं धड़ा रह गया, फिर इनको सत्ता से बाहर करके कांग्रेस को मौका दिया गया 2012 में। धोखा किसने दिया, धोखा क्यों खाया फिर आपने? ठीक है हमने, ठीक है ठीक है अमन जी जी, पूरी बात समझ गई मैं, अपना सिर्फ बखान करने से ये नहीं हो जाता कि विकास बहुत हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अमन जी जी, ठीक है। हेमा भंडारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, चलिए ठीक है। उत्तराखंड पिछड़ा है, जब भारतीय जनता पार्टी आई है उत्तराखंड पिछड़ा है, विकास पिछड़ा है, केवल जुमलों से राजनीति नहीं होता, आपको ठीक है काम करना, ठीक है ठीक है ठीक है। हेमा जी, हेमा जी कुछ कहना चाह रही है, एक मिनट उनियाल जी, एक मिनट हेमा जी सुन लीजिए ना, आपके कॉम्पिटिटर, आपके कॉम्पिटिटर एक और पार्टी है उनकी भी सुन लीजिए, ऐसा ना हो कि आप दोनों की तू तू मैं मैं बाजी मार जाए आम आदमी पार्टी। सुन लीजिए हेमा जी, हरिद्वार में अभी हाल हुआ है और मैं आपको आधे घंटे पहले की बात बताती हूँ, आधे घंटे पहले मैं धरती बैठी थी, यहाँ पर 4 बार के विधायक मदन करती थी, जिनका अभी हाल तक पिछड़ा करता आया है जनता ने, भारतीय जनता पार्टी से परेशान होकर कांग्रेस की मेयर को चुना और यहाँ पर कांग्रेस मेयर की है। और मैं आपको दिखाती हूँ धरती पैड़ी में जो अभी आधा घंटा पहले, देखिए क्या हाल है। हेमा जी क्या क्या दिखाने की कोशिश आप कर रही है, देखिए क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मुझे नजर आ रहा है, आवाज ही को हो रही है, आपकी आवाज भी सही से नहीं आ पा रही है। तीर हर की पैड़ी जो तीर किसने लिए है, ये देखिए ये हर की पैड़ी का हाथ है अभी आधे घंटे नहीं, ऐसी तो बहुत, ऐसी बहुत हेमा जी, ऐसी तो बहुत तस्वीरें हैं, ऐसी बहुत तस्वीरें हैं, आप देखिए दो दो मेरा कहना यह है कि सुबह का पैसे की बंधक बात की गई, भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर सुबह के पैसे की बंधक की और होना चाहिए था वो काम, अगर 20% भी इन्होंने कुंभ में लगाया होता, कुंभ कार्यों में लगाया होता, सौंदर्यकरण में लगाया होता, नहीं तो वो तो विकास, विकास, एक मिनट, विकास का हवाला, विकास का हवाला जब ये देते हैं तो कहते हैं कि 2 साल तो हमारे कोरोना ने खा लिए, कोरोना कोरोना कहकर रो देते हैं, जनता समझ जाती है चलिए ठीक है 2 साल कोरोना की वजह से निकल गए, इसमें सरकार विकास नहीं कर पाई, कुंभ का पैसा पूरा आया, कुंभ का पैसा पूरा आया और बंदर बात हो गई, कुंभ के पैसों में दोनों ने बंदर बात की है और आज इन्होंने स्थिति ये है कि ना ही आप सड़कों की, यहाँ की गलियों की हालत देखिए, यहाँ की सड़कों की हालत देखिए, अंदर नहीं सड़कों की हालत, सड़कों की हालत नहीं 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 सड़कों की हालत, सड़कों की हालत, सड़कों की हालत तो दिल्ली में भी बहुत अच्छी नहीं है हेमा जी, कांग्रेस की मेयर है हेमा जी, सड़कों की हालत तो दिल्ली में भी बहुत अच्छी नहीं है, दिल्ली की जनता भी आप लोगों से बहुत खुश नहीं है, ये मत सोचिएगा कि दिल्ली में सब कुछ अच्छा है और दिल्ली मॉडल पर आप उत्तराखंड में काम कर लेंगे, दिल्ली की आबादी में और उत्तराखंड की आबादी में बहुत अंतर है जमीन आसमान का, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो चुके हैं, देखिए मोहल्ला क्लिनिक नहीं बचे, नहीं बचे, नहीं बचे मोहल्ला क्लिनिक, नहीं है मोहल्ला क्लिनिक, मैं दिल्ली से आती हूँ, मैं दिल्ली से आती हूँ, मोहल्ला क्लिनिक कहीं नहीं है, कहीं नहीं है मोहल्ला क्लिनिक, आप मोहल्ला क्लिनिक की बात मत करिए, सड़कों की बात और मोहल्ला क्लिनिक की, एमसीडी के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दिल्ली में इस वजह से
सड़कें भी दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक ही बरसात में हालत खराब हो गई। ये है दिल्ली का मॉडल। आप मत करिए ना, आप अपना बखान इतना मत करिए। अगर दिल्ली में सरकार अच्छी नहीं होती, सरकार काम नहीं करती, तो जनता बार बार पसंद करके उनको नहीं लाती। अगर दिल्ली में काम नहीं हुआ होता तो बार बार फ्री की राजनीति, फ्री की लालच देकर, लालच देकर, ये भी कड़वा सच है। भाजपा और कांग्रेस को उत्तराखंड में डर लग रहा है, उनको पता है कि आम आदमी पार्टी आ गई है। एमसीडी में लेकर आइए ना, एमसीडी में देखिए, बहुत बहुत दूर नहीं है चुनाव एमसीडी के, बहुत नजदीक है। आप उसमें लेकर आइएगा, तब मुझसे बात करिएगा कि आपने एमसीडी में क्या काम किया। मोहल्ला क्लिनिक की आप बात करिए, मोहल्ला क्लिनिक एक भी नहीं खुला हुआ है। अब बताइए, यहाँ के तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री जाए पापा इलाज कराने नहीं, यहाँ के मंत्री, यहाँ के नेता की बात मत लीजिए। दिल्ली मॉडल का आप एग्जांपल रख रही थी, क्योंकि वहाँ पर अस्पताल अच्छे हैं, वहाँ पर सुविधाएं अच्छी हैं। भंडारी जी छोड़िए यार, दिल्ली मॉडल छोड़िए आप। उनियाल जी अब बताइए क्या करें हम, कौन है सबसे बड़ा ड्रामा क्वीन या किंग कहूँ मैं? हरीश रावत जी, हरक सिंह रावत जी, हरीश रावत तो वापस आ गए, हरक सिंह आएंगे या नहीं आएंगे? कहा एक बार फिर बोलिए। मैं कह रही हूँ हरक सिंह वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि अभी भी नाराज बैठे हैं। नहीं तो हरक सिंह रावत गए कहाँ है वापस आने की? अच्छा गए नहीं है, गए कहाँ, वो तो हमारे साथ ही है अभी। हमें लगा कि रूठे बैठे हैं, मनाइएगा आप तब आइएगा। नहीं नहीं रूठे बैठे, कोई रूठे ना, कोई इस्तीफा ना रूठना, कोई दिखा दीजिए क्या बयान दे रहे हैं वो, उन्होंने कब कहा रूठे कहां गए हो? को कैबिनेट मीटिंग से उठ के नाराज होकर चले गए, धामी जी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे, रात को सड़कों पर गाड़ियां लेकर उनको ढूंढते रहे, आपके पास आए हैं क्या? नहीं हमारे पास आएंगे नहीं, नहीं आएंगे नहीं आएंगे वाले विषय नहीं नहीं। उनियाल जी जो हरीश रावत जी ने एक ट्वीट कर दिया था, तो बीजेपी बहुत खुश हुई थी कि हो सकता है कि हरीश रावत जी अब बीजेपी कहीं ना ज्वाइन ना कर लें। अब आप क्यों इतनी बेचैन हो रही हैं? हरीश रावत जी एक दावर नेता है, ऐसा ऐसा हम सभी मानते हैं। चलिए और वो तो बहुत अच्छी बात है, मान लिया के बराबर आपके पास कोई नहीं है। एक बात मेरी बात सुन ली आपने, उन्हें मान लिया ना, हरीश रावत जी का मकसद था कि मुझे नहीं है अभी आपको तीन तीन मुख्यमंत्री बनने पड़े, और आप केवल और केवल घोषित करता है। जब विधायक दल की मीटिंग हो भी तो एक लाइन आ जाती है कि वो हाईकमान करेगा, वो हाईकमान घोषित करेगा, इसलिए वो गए थे रूठे हुए। और नहीं, बीजेपी में कुछ बदलाव होता है ना, बीजेपी में कुछ बदलाव होता है। उनियाल जी जब बीजेपी में कोई बदलाव होता है ना, बहुत चोरी छिपे होता है, जो बात पहले बहुत चोरी छिपे होता है, पता नहीं चलता, इसलिए सवाल होते हैं कि बहुत चोरी छिपे सारी चीजें होती हैं। आप मुझे बताइए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत से जो नाराजगी हरक सिंह रावत की हमने देखी थी, नियुक्ति और कामकाज की शैली को लेकर वो बहुत ठनी थी, तब भी ये अड़े थे और आज भी मेडिकल कॉलेज पर अड़ गए हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि चुनाव से एन पहले क्यों इस मेडिकल कॉलेज की याद पहले क्यों नहीं आई थी? या आप भी बहाना बना दीजिएगा कि 2 साल कोरोना में चले गए इसलिए हमें याद नहीं आया, हम तो इतने व्यस्त थे कोरोना काल में लोग जनता की सेवा करने में कि हमें तो याद ही नहीं रहा कि हमने मेडिकल कॉलेज भी लाना था। देख ऐसा है कि हर विधायक चाहता है कि उसके क्षेत्र में जनता को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ हो, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी भी पूरा ध्यान रख रहे हैं, सभी विधायकों का और मंत्रियों का ध्यान रख रहे हैं। मैं बता रही हूँ ध्यान तो रख रहे हैं चुनाव की वजह से, ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, ध्यान तो रखना पड़ेगा जी, होना चाहिए। स्वास्थ्य की चिंता उन्होंने करी है, मैंने पहले कह दिया है, हमारे यहाँ तो रिस केस में माननीय सुषमा स्वराज जी ने, जो हमारी इतनी बड़ी नेता थे, हमारे प्रेरणा स्रोत है, उन्होंने एम्स भाजपा लाई है यहाँ, तो मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोलेंगे? मैं केंद्र सरकार की बात कर ही नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ राज्य सरकार की बात कर रही हूँ, मैं केंद्र की बात ही नहीं कर रही। आप केंद्र को अभी के लिए केंद्र सरकार को थोड़ा सा अलग कर दीजिए, केंद्र की बात नहीं है, सिर्फ राज्य सरकार की बात हो रही है। अगर आप यहाँ पर विधानसभाओं की बात कर रही है तो देखिए, रुड़की हो, पिरान कलियर हो, कोटद्वार हो, टिहरी हो, तमाम और जो विधानसभा है ना, यहाँ का हाल हमने जान लिया है और आज ही हमने पिरान कलियर का हाल जाना है। आप उठा के देख लीजिएगा,
आपको मिल जाएगा YouTube पर हमारे चैनल पर कि क्या वहां के हालात हैं। सड़कें नहीं है, शिक्षा व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ नहीं है, और उसके अलावा जो पुराना पुल है उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। इसके अलावा आप ये कहिएगा कि वहां के जो विधायक हैं वो तो कांग्रेस के हैं, तो आपका भी मैं याद दिला देती हूँ, आपके भी तमाम ऐसे विधायक हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कागजों पर लिख देते हैं कि हमने ये पास करा दिया, हमने ये काम करा दिया। अब बोलिए, देखिए काम एक बार जैसे प्रपोजल बन के जाएगा, काम होगा, उसपे सचिवालय वगैरह होगा तो थोड़ा टाइम तो लगता है। कितना टाइम? सड़कों पर कितना टाइम? सड़कों पर कितना टाइम? अभी उत्तराखंड पूरी तरह से नौजवान है, अभी काम नहीं होगा तो क्या बुढ़ापे में करिएगा? नहीं, काम तो हमारी सरकार कर रही है ना, काम तो कर रही है, बस यही एक ही सवाल है कि हमारी सरकार काम कर रही है लेकिन कितना किया है ये हमें नहीं पता है। बस उनियाल जी, हाँ नहीं देखिए कनेक्टिविटी हमने जोड़ी है, कनेक्टिविटी तो चर्चा में ही दिख रही है, भंडारी जी से कभी बात हो पा रही है कभी नहीं हो पा रही है, ये कनेक्टिविटी है। और आप ऑनलाइन पढ़ाई की बात करते हैं, अमन जी जी एक मिनट, ठीक है आपके पास लौटूंगी आपके पास अमन जी जी, अपना गड़बड़ होगा बाकी लोगों के संग, आपके हमारे नहीं नहीं, हम रोज उत्तराखंड से लोगों को जोड़ते हैं तो हमें कनेक्टिविटी पता है। अमन जी जी मैडम, आपने भी कहा भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार से रातों रात चीजें बदल जाती है। अब देखिए रातों रात हमारे ये कैबिनेट मंत्री जो है नाराज हो जाते हैं, और अभी हमारी बहन जी कह रही थी कि कोई भी काम होता है उसमें सचिवालय में समय लगता है और कामों में समय लगता है, रातों रात वो हमारे कैबिनेट मंत्री नाराज होते हैं, रात को 2-3 बजे उनको ढूंढ के आश्वासन दे दिया जाता है कि आपका जो है कॉलेज स्वीकृत कर दिया गया है, आपको पैसा दे दिया जाएगा, कभी 5 करोड़ की बात आप सुन लीजिए, सुन लीजिए विचार होता है तब जाके पैसा निकलता है। ऐसा क्या हो गया कि रात को 2-3 बजे धामी जी उनको आश्वस्त कर देते कि आपका कॉलेज स्वीकृत कर दिया गया है, 5 करोड़ रुपया आपको आवंटित किया जा रहा है, फिर पता लगता है 20 करोड़ दे जाएगा। अभी जनता को पता ही नहीं वो पैसा का शासन आदेश कब होगा, वो आज जबकि कैबिनेट की आपकी आखिरी बैठक हो चुकी है तो जियो नहीं हुआ, कहां से लाओगे 20 करोड़ रुपया, कहां से लाके देंगे जनता के बीच में? रातों रात यानी दबाव की राजनीति है, उन्होंने दबाव डाला तो 2-3 बजे धामी जी स्वीकृत कर देते हैं, तो ऐसी कौन सी योजना है, तो बाकी योजनाओं पर भी ये लागू कर दीजिए। जो भी आप बात कह रही थी समय लगता है, कहां है समय लगा, रातों रात सब कुछ हो गया अमन जी, रातों रात तो कांग्रेस में भी बहुत कुछ बदल जाता है ना, दिल्ली तलब कर लिया जाता है, फिर खिलखिलाते चेहरे उत्तराखंड वापस लौटते हैं, ये भी तो बदला जाता है ना, ये सोचेगा कि आपसे सवाल नहीं होगा, 10 साल आपने दिए हैं उत्तराखंड को, जनता ने आपको 10 साल दिए हैं, सवाल आपसे भी होगा। मैं आपसे आपको 10 साल का जवाब दे रहा था, आपने पूरा जवाब दिया नहीं मेरे, आप दे दीजिए जवाब, अभी तो बहुत समय है। मैं आपसे कह रहा हूँ एंकर महोदय कि 5 साल तिवारी जी ने काम किया वो जग जाहिर है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो चलता हुआ विकास था पूरी तरह पेंट कर, उसके बाद फिर 2012 में जब कांग्रेस की सरकार आई और वो कांग्रेस के जो हमारे उस वक्त के मुख्यमंत्री थे जिन पर आपदा के समय में आरोप लगा पेट्रोल का लेकर के दूध को लेकर स्कूटर के नंबरों पर किस प्रकार से धांधली हुई, वो आज मुख्यमंत्री कहां वहां बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी गोद में। उसके बाद अगर हरीश रावत जी को समय मिलता है 2014 में जो आपदा ग्रस्त उत्तराखंड मिलता है उनको, उस आपदा ग्रस्त उत्तराखंड को उभारने में किस प्रकार से उन्होंने कम से कम समय में 1 साल के कम समय में भी उन्होंने सुचारू रूप से बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा चालू करवा दिया था, ये कांग्रेस की उपलब्धि थी। उसके बाद आप देखिए 2016 में एक और लगता है भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार को गिराने का काम करती है, सही मायने में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस सुन लीजिए, सुन लीजिए उनियाल जी, एक मिनट बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आपको भी समय दूंगी। पूछ रही उनियाल जी, एक मिनट दो मिनट दीजिए अमन जी जी की बात कंप्लीट हो, उसके बाद मैं आपके पास जाऊंगी।
तिवारी जी के बाद अगर उत्तराखंड में विकास हुआ है तो जो 3 साल का समय हरीश रावत जी को मिला केवल और केवल उसी समय में विकास हुआ, उसके बाद इन्होंने जनता के साथ सत्ता बल से कांग्रेस को तोड़ने का काम किया, किस प्रकार से मैंने आपको बताया, ये तो हम शुक्रगुजार हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, जिनकी वजह से सरकार पुनः दोबारा आई। उसके बाद ठीक है हम लोगों की गलती, हम उसके बाद चुनाव करा लेते तो निश्चित रूप से हमें हमारी सरकार आज दोबारा होती। लेकिन जनता ने जो इन पर विश्वास किया, मोदी जी के जुमलों पर विश्वास किया और उस जुमले का नतीजा आज आप देख रहे हैं उत्तराखंड का क्या हाल है। कांग्रेस ने जल खराब नहीं किए, ये भारतीय जनता पार्टी ने हमारे उत्तराखंड का 13 साल बर्बाद किए हैं, 13 साल भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के बर्बाद किए और आज भी देखिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह त्रस्त हैं, इनकी जन विरोधी नीतियों से पूरी तरह त्रस्त हैं। आने वाले समय में तमाम सर्वे आ रहे हैं, आने वाले समय में कांग्रेस सरकार बन रही है और अभी हम आप बार बार आम आदमी की पार्टी की बात करते हैं, ये केवल और केवल फ्री की राजनीति करने आए हैं, इनके पास ना तो कोई दूर दृष्टि है, ना कोई अर्थ नीति है, ना इनको भौगोलिक यहाँ के प्रतियों का जानकारी है, केवल फ्री फ्री और फ्री। इनसे पूछा जाए कि आप जब दिल्ली में, मेरी बहन कह रही थी मैं भंडारी जी जब दिल्ली में आए, दिल्ली में आपसे आप जो है लोकायुक्त लोकपाल के मुद्दे पर आए, इनसे पूछे लोकायुक्त लोकपाल कहाँ गए ना, नहीं दिल्ली उत्तराखंड, दिल्ली उत्तराखंड का तो कंपैरिजन ही मुश्किल है ना, उत्तराखंड की आबादी दिल्ली की आबादी, उत्तराखंड पहाड़ी इलाका मैदानी इलाका बहुत बहुत अलग है, इसका कंपैरिजन ही नहीं है। मैं आप लोकायुक्त की बात भी तो मैं कर रहा हूँ, मेरा लोकायुक्त के मामले में दोनों ही पार्टियों से निवेदन है, कहाँ है लोकायुक्त? त्रिवेंद्र सरकार जब बनी थी उन्होंने कहा 100 दिन में लोकायुक्त लाएंगे, आज से पूछिए आज लोकायुक्त कहाँ है, तो ये कहते हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार तो हुआ ही नहीं, इसीलिए लोग नहीं तो पद की लालसा तो हरीश रावत जी को भी थी ना, तभी तो ट्वीट किया, दुखड़ा रोया, उसके बाद आला कमान ने बुलाया, दिल्ली तलब किए गए, दिल्ली आए, एक मिनट मंजी जी, फिर वो आते हैं और फिर जब उन्हें भरोसा दे दिया जाता है कि वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे तो वो खुश हो जाते हैं। वो कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष पद की लालसा कहाँ है? कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते तमाम संचालन होना है काम का, वो रावत जी ने करना है, रावत जी के बाद अगर पूरे तैयार नहीं होंगे। अरे सुन ही नहीं रहे उनियाल जी, आप पहले मेरी बात का सुन लीजिए, वो कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हैं, कोई पद की लालसा नहीं थी उनको, लेकिन जिम्मेदारी थी उनकी तो उनकी आज भी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी तो मिली हुई थी ना उन्हें, ऐसा कौन सा उन्हें दरकिनार किया गया था? नहीं अमन जी, एक मिनट बस, फिर एक मिनट बात सुनिए, क्या उन्हें दरकिनार किया गया था? वो तो बहुत बड़ा चेहरा है उत्तराखंड का कांग्रेस में, सबसे बड़ा चेहरा तो वही है। आपकी पूरी बात का जवाब देता हूँ, पूरी बात का जवाब, उनको दरकिनार नहीं किया गया, संगठन में कुछ लोग ऐसे थे कि जो कुछ सहयोग नहीं कर रहे, चुनाव जीतना है मतलब अंदर खाने सही नहीं था सब कुछ, अंदर खाने ठीक नहीं था। मैं तो कह रहा हूँ आप सुन तो लीजिए मेरी पूरी बात, अगर उन्होंने अपनी बात को संगठन की बात को जाहिर किया है, जो हमारी कमजोरियां है, ये हमारा अंदरूनी मामला है, अंदरूनी मामला है, और उन्होंने दिल्ली जाकर बात करी, उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से कहा कि मुझे पूरे अख्तियार दिए जाए जिस रूप से हम अपने संगठन को एक साथ लेके चल सके, जिससे कि हमारी 2022 की सरकार बन सके, इसमें पद की लालसा कहां से बीच में आ गई? तो फिर ये भी तो ये बीजेपी का भी तो फिर अंदरूनी मामला हो गया ना, वो अपनी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि हमें मेडिकल कॉलेज चाहिए, पार्टी का नहीं होता कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड का, ठीक है ठीक है, आपकी बात ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन कर तो वो अपनी पार्टी के लिए काम रहे हैं ना, पार्टी के लिए काम नहीं, अगर उन्होंने मांग करी एक मेडिकल कॉलेज के लिए वो पार्टी के लिए नहीं करी, वो अपने क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे थे और उससे नाराज हुए, उनको ये कहना पड़ा। मामले को क्यों इतना डमरू बजाकर दिखा रहे हैं कि नहीं इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया, नहीं 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 नहीं, अपनी बातें तो छुपा लो, अपनी बातें छुपा लो, लेकिन दूसरे के यहाँ अगर कुछ हुआ है तो उसे उजागर करो, ये तो गलत है ना। मैंने सुनी नहीं, वो कांग्रेस के लिए नहीं कह रहे थे, वो अपनी सरकार के लिए कह रहे थे, मुझे भिखारी बना दिया गया, तो ऐसा भिखारी बना दिया गया, रातों रात उनकी उनके मेडिकल कॉलेज का स्वीकृति मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, शासन आदेश कहाँ से होगा? उससे भी तो संतुष्ट नहीं है उनियाल जी, उससे भी संतुष्ट नहीं है हरक सिंह रावत जी। एक बात बताइए कि एक और सवाल कुछ लोगों ने किया है कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरक सिंह रावत के बीच ठनी थी, ऐसा माना जाता है कि चौथा साल खत्म होते होते मुख्यमंत्री पद से विदाई जो उनकी हुई है, यही कारण है? नहीं नहीं, अगर मंत्री से कोई
बात भाई, मुख्यमंत्री की और मंत्री की बात में कभी कभी सामंजस्य नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इस मतलब आपका अगर हमने अपनी बात अपने शीर्ष नेताओं के आगे रख दी तो वो आप कह रहे हैं हमारी सरकार में देखो टनल हमारी सरकार में बने हैं, जितने टनल बने हैं, फ्लाईओवर हमारी सरकार में बने हैं, कौन से फ्लाईओवर बनाए मुझे नाम बताइए, कौन से फ्लाईओवर आपने बनाए, आपने फ्लाईओवर जब बने फ्लाईओवर थे, आप तो कहते हैं, आप कहते हैं, आप कहते हैं कि दो साल कोरोना में निकल गए तो फिर इतना काम कैसे हो गया, दिल्ली से देहरादून कितना जल्दी हम लोग आ जाते हैं, ये सब काम सब विकास के ये काम एक नहीं है, नहीं नहीं विकास के काम आपका कोई योगदान नहीं है, हमारी सरकार में हुए ये 2000 इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ यही है कि हम आम जनता के लिए आवाज उठाएं, लेकिन आप तो आपस में ही मैंने ये किया तो मैंने ये किया, आपने ये नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उत्तराखंड की बात नहीं कर रही, जो बात करती है उत्तराखंड के बाहर की योजनाएं बताती है प्रधानमंत्री मोदी की, इनसे पूछिए उत्तराखंड। इस चर्चा में जो इल्जाम लग रहा है आम आदमी पार्टी पर कि फ्री की राजनीति करने के लिए एक बार फिर आ गई है आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में, उत्तराखंड के बारे में कुछ नहीं पता, शून्य आम आदमी पार्टी, वो चुप बैठी है। हेमा जी क्यों चुप बैठी है आप? आंदोलन हम लोगों ने किया है, भारतीय जनता पर महिला तो बहुत देर से आपने सुन लिया है, भाजपा वाले सत्ता में आते हैं लेकिन जनता के लिए कोई क्या करता है, ऐसा तो नहीं है, हेमा जी क्या करेंगे क्या करेंगे इस पर कोई बात, हेमा जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि हरीश रावत और हरक सिंह रावत के ड्रामे में सबसे बड़ा ड्रामा भाग कर्नल कोठियाल निकले, हेमा जी अभी कोई दिक्कत जी सुना आपने, दोबारा से रिपीट कर दूं अगर नहीं सुना तो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हरक सिंह रावत और हरीश रावत की ड्रामेबाजी में सबसे बड़ा ड्रामा बाज कर्नल कोठियाल निकले, आम आदमी पार्टी के नेता ना तो ड्रामा करते हैं और आज तक तो फ्री की राजनीति करते हैं, दो पार्टी में होती आई है, माफ कीजिएगा तो फ्री की राजनीति करते हैं, हमारी राजनीति काम की राजनीति होती है, जो हम कहते हैं हम जनता के लिए यहाँ पर हम वादे कर रहे हैं, जनता से वादे कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इनके ड्रामे जो चल रहे हैं, इस पार्टी को छोड़ो, इस पार्टी में इधर से उधर महिलाओं को 1000 रुपए कहाँ से देंगे, और ये यही करते रहेंगे, 300 यूनिट आम आदमी पार्टी कहाँ से देंगे, चलिए आप इतनी कॉन्फिडेंट हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आते ही ना इनकी जड़े हिंदी में नजर आ रही है, इनको आज जो ये इस तरह के आज में हो रहे हैं इनको आम आदमी तो सत्ता में आने आने जाने के दोनों रास्ते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आ गए तो आप बैठ गए, ऐसा नहीं है, बुलाते हुए आप ही मत सोचिएगा कि अगर आप सत्ता में आ जाते हैं तो आपकी वापसी का रास्ता नहीं है, वापसी का रास्ता आपका भी है, जनता जैसे कांग्रेस को छोड़ा है दरकिनार किया है, जैसे बीजेपी को छोड़ा है, वैसे आम आदमी पार्टी को भी छोड़ सकती है, कि अगर हमने काम किया है तो मुझे वोट देना, अदरवाइज मत देना, आज तक किसी नेता ने ऐसे नहीं घर में जाके वोट मांगने जाते हैं ये नहीं कहा कि अगर हमने तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बिजली मुफ्त की बात करते हैं आप, पहले आप बिजली कनेक्शन तो वहाँ पे करवाइए ना, मुफ्त की बिजली तो तभी आप देंगे, शून्य बिल तो तभी देंगे, यहां से तो बहुत आसान है, मैदानी इलाका है, लेकिन उत्तराखंड तो इतना आसान नहीं है ना, कहीं पहाड़ है कहीं मैदान है, वहां पे पानी की व्यवस्था कैसे करिएगा, एक बार जनता सरकार बना के देखेगी, हम करके दिखाएंगे जनता को, एंकर महोदय मैंने पहले भी कहा इनके पास कोई दुर्दृष्टि नहीं है, इनके पास कोई दुर्दृष्टि नहीं है, ये कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे पानी की व्यवस्था, इस पूरी चर्चा में पिछले एक घंटे से सिर्फ यही हमें दिखा है कि हम आते हैं तो हम ये करते हैं, हम आ जाएंगे तो हम ये करेंगे, लेकिन जनता से लगाव जो है ना वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया इस एक घंटे में,
कहीं भी नहीं दिखाई दिया, सिर्फ अपना बखान कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सत्ताधारी बीजेपी हो। सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने ये किया, हम ये करेंगे, हमने तो ये किया था, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया। अरे ये वक्त है क्या ये सब करने का? बस कीजिए ना, पार्टी की सरकार आएगी, बस कीजिए। ये अगर जनता ये कहे कि हाँ ये इस पार्टी ने नहीं किया, तो जनता के पास तो विकल्प होते हैं जनता, लेकिन एक बार आम आदमी पार्टी आएगी, पता है कि यहाँ से हिलाने फिर मुश्किल है आम आदमी पार्टी को, भूमिका निभाने आए हैं, जिसका फायदा सीधा सीधा आप भारतीय जनता पार्टी को देने आए। ठीक है, चलिए, ठीक है, समय की कमी है, मैं आप सभी को यही धन्यवाद करती हूँ, आप सभी का बहुत शुक्रिया यहाँ चर्चा में जुड़ने के लिए। कोशिश बहुत की मैंने इन सभी से सवाल करने की और ये जवाब जानने की कि ये जनता के लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन तीनों ही पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, सिर्फ अपना काम गिनाने की कोशिश हुई है। कांग्रेस से कहती है कि हमने तो बहुत काम किया था, जो विकास हुआ है उत्तराखंड में वो सिर्फ कांग्रेस की देन है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ जनता को ठगा है, काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो तो आप देखते ही हैं मेरा गांव मेरा देश के उत्तराखंड के स्पेशल एडिशन में कि हकीकत क्या है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी कहती है कि हम इस बार आएंगे और दिखाएंगे कि विकास क्या होता है, तो हम भी इंतजार कर रहे हैं 2022 का कि जल्दी से आए और हम देखें कि आखिर जनता के मन में क्या चल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही पूछता है उत्तराखंड में, कल फिर लौटेंगे एक तमाम ऐसे मुद्दों के लिए जो हम ये कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाएं, आपकी आवाज उठाएं, क्योंकि पूछता है उत्तराखंड इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आप पूछ रहे हैं हमसे।